गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर 5 कर रहे थे हम, जिसमें देखिए हम अपने दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों ही लेक्चर्स का टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आज हम क्या कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, दो या तीन हम एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें रैंडम वेरिएबल का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और किसी भी हमें देखिए रैंडम वेरिएबल के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। यानी कि हम 5.1 के आज एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट हम देख चुके थे। इसके अंदर देखिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, किस केस के अंदर नंबर ऑफ हेड्स इन थ्री टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को हमने 3 टाइम टॉस किया है, तो उस केस के अंदर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगी, अब हम वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं, जब भी हम किसी भी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास इवेंट्स आएंगे 2 की पावर 3, यानी कि 8। अब वो 8 इवेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए HHH, HHT, HTH, TTH, TTT, TTT, and last THH। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास टोटल पॉसिबल केसेस आ गए हमारे पास 8। ठीक है, मैंने निकालना क्या है, नंबर ऑफ हेड। तो मैंने इसे x मान लिया, x कोई भी रैंडम वेरिएबल है जिसकी हम वैल्यू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्राइस, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्राइस। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू कुछ इस तरह से एज्यूम कर ली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं हर x की वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालूंगी। देखिए P(x) = 0, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग नो हेड, x क्या था, नंबर ऑफ हेड 0, यानी कि एक भी हेड ना हो, ऐसा एक ही केस आएगा सिर्फ TTT। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी कि P(x) = 0 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सिर्फ TTT की, और TTT की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/8। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है P(x) = 1, क्योंकि नंबर ऑफ हेड देखिए मैक्सिमम हमारे पास 3 ही आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल सकती 3 कॉइन को टॉस करके मेरे पास 4 हेड भी आ सकते हैं, क्योंकि कॉइन ही जब हमने 3 बार टॉस किया तो 4 हेड का तो कोई चांस ही नहीं है। तो देखिए अब मेरे पास x = 1 के केस के अंदर आप देखिए, यहाँ मैं वही बात लिख दूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, वन हेड देखिए कहाँ कहाँ पे है मेरे पास, वन हेड मेरे पास एक तो यहाँ पर है, ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पर है, एक मेरे पास यहाँ पर है, यानी कि मेरे पास 3 केसेस हैं, एक तो TTH, THT और एक HTT, यानी कि 3/8 टोटल केसेस 8, कितनी बार आया है 3। सिमिलरली अब मैं देखूंगी P(x) = 2, कितनी बार मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स यानी कि x 2 है, यानी कि नंबर ऑफ हेड इवेंट के अंदर मेरे पास 2 हों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स के अंदर देखिए अब मैं लिख नहीं रही कि पी ऑफ क्या क्या आएगा इसके अंदर, ऑब्वियसली एक तो देखिए HHT आएगा, और क्या आएगा मेरे पास HTH, और क्या आएगा मेरे पास THH, तो ये इवेंट्स भी 3 होंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन 1/8, डेट इज़ HHH। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा काम था, रिपीटेड भी काम है, आप कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर रही हूँ। इसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए जब भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं हम,
हम एक सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर देखिए कितने कॉलम्स रखेंगे और कितनी रोज रखेंगे। वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ऊपर तो लिखूंगी x, नीचे लिखूंगी p ऑफ x। x जब ज़ीरो था तो प्रोबेबिलिटी आई थी 1/8, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब x मेरे पास 1 आया था तो प्रोबेबिलिटी आई थी 3/8, जब x मेरे पास 2 आया था तो प्रोबेबिलिटी आई थी 3/8, जब x मेरे पास 3 आया था तो प्रोबेबिलिटी आई थी 1/8, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के जैसा सेकेंड क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़। आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखते हैं हम। Find the probability distribution of a number of successes in two tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4. इसमें हमें probability distribution निकालनी है जहाँ पर random variable हम x किसे denote करेंगे, number of successes। देखिए सब कुछ question के अंदर ही given होता है, बस हमें उसको ध्यान से पढ़ के हर चीज़ को निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम निकालेंगे x, हमने x बोल दिया, इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई, दो बार हमने डाई को टॉस किया है। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड, अब सक्सेस है क्या, नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 इज फेलियर एंड 5, 6 इज सक्सेस, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हम सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं s, सक्सेस हम किसे मान रहे हैं, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 क्या है, 5 और 6, यानी कि s नंबर ग्रेटर देन 4। इसी तरह से हम f किसे मान रहे हैं, नंबर लेस देन 4। फेलियर के केस में हमारे पास लेस देन 4 भी है और इक्वल टू 4 भी है, लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो अब देखिए x हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस हमारे पास आ कितनी सकती है, या तो देखिए 0 कब आएगी, जब दोनों ही डाइस के अंदर हमारे पास नंबर लेस देन 4 आ जाए, फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। फर्स्ट डाई के अंदर भी 2 आ गया और सेकंड में भी 2 और 2 दोनों ही लेस देन 4 है, इसलिए दोनों ही फेलियर आ गए, तो सक्सेस आ गई 0। अब मेरे पास ये कह रहा है कि एक सक्सेस और एक फेलियर, यानी कि 2, 6, ठीक है। फेलियर वाला केस 2, सक्सेस वाला केस 6, तो एक सक्सेस का केस भी आ सकता है। अब दोनों ही डाइस के अंदर मान लीजिए 5, 5 आ गया, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, दोनों ही क्या है, सक्सेस। तो सक्सेस यानी कि x कैन टेक वैल्यूज 0, 1 और 2, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। सक्सेस देखिए हम किसे मान रहे हैं, या तो 5 आने को या 6 आने को। 5 और 6 टोटल कितने केसेस है, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/टोटल आउटकम 6, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी मैं निकाली है ये तो बहुत बेसिक से है, ये आप ऑलरेडी क्लास 12th क्लास 9th 10th में भी ये चीज़ तो कर चुके हैं ना, तो इसलिए इसे मैं नहीं समझा रही यहाँ पर कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बहुत ईजी है। F निकालना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि 1 और 2 और 3 और 4, इन चारों में से कुछ आना, यानी कि 4/6, ठीक है। कैंसिल आउट करना है तो कर दीजिए 1/3 और 2/3, ठीक है। अब देखिए आप एज इट इज़ वही काम करना है जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया, p एट x इक्वल टू 0, x 0, x क्या था, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस 0, यानी कि दोनों ही क्या हैं, फेलियर। p of ff को हम क्या लिखेंगे, p of f, ठीक है। p of f की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3 × 2/3, यानी कि रिजल्ट आ गया 4/9, ठीक है। अब नेक्स्ट केस के अंदर हम क्या निकालेंगे, p of x = 1, यानी कि x = 1, एक सक्सेस और एक फेलियर। अब देखिए हमारे पास एक सक्सेस एक फेलियर के अंदर दो केस हैं, पहले सक्सेस आए फिर फेलियर, यानी कि फर्स्ट डाई के अंदर 6 आ जाए और सेकंड के अंदर 2, जैसे मैंने 2, 6 का एग्जांपल लिया था, और सेकंड
क्या केस है कि पहले के अंदर फेलियर, पहले के अंदर टू, बाद में सिक्स, तो इसके अंदर मेरे पास जो दो केसेस हैं वो क्या है, सक्सेस फेलियर आ जाए या फिर फेलियर सक्सेस आ जाए। ठीक है, तो सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पी ऑफ एस पी ऑफ एफ, और है तो प्लस का साइन, फेलियर सक्सेस पी ऑफ एफ पी ऑफ एस, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ध्यान से देखिए, पी ऑफ एस हमारे पास क्या है 1/3, पी ऑफ एफ हमारे पास है 2/3, प्लस पी ऑफ एफ हमारे पास है 2/3, और पी ऑफ एस हमारे पास है 1/3, इसकी कैलकुलेशन करके मेरे पास आ जाएगा इजीली 4/9। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थर्ड केस कौन सा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू, नंबर ऑफ सक्सेस इज 2, दो बार डाइस को टॉस किया और दोनों ही दोनों बार क्या आ गया, सक्सेस, यानी कि पी ऑफ एस एस। ठीक है, अब सक्सेस पहले आए और सेकंड केस में सक्सेस आई है, फर्स्ट केस में सक्सेस, सेकंड में सक्सेस, दोनों ही सक्सेस हैं, तो हम इसमें एडिशन वाला केस नहीं लेंगे, डायरेक्टली पी ऑफ एस एस ही लेंगे। तो देखिए पी ऑफ एस एस मतलब कि पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ एस, पी ऑफ एस का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, पी ऑफ एस 1/3 1/3, यानी कि आ गया 1/9। अब हमें क्या देखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा मेन काम था। तो देखिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, अब देखिए हम क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ x या p of x, x की मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, 0 1 2, p of x इक्वल टू, x इक्वल टू 0 के केस में p of x मेरे पास क्या आया था, 4/9, सेकेंड केस में 1 वाले केस में 4/9, और थर्ड केस में आया था 1/9। आपको अगर अपना रिजल्ट चेक करना हो मेरा आंसर ठीक आया भी है या नहीं, तो आप इन सबको एडअप करके देख सकते हैं, आपका 1 आना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल में भी 1 ही आया था, और सेकेंड के अंदर भी देखिए 4+4+1 9/9, ये आ गया हमारे पास 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास रहता है 1। अब देखिए हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे, देखते हैं उसके स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रोन 1/1 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो देखिए इसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है नंबर ऑफ रेड बॉल्स की, यानी कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स को हम x मान लेंगे, x डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालनी होती है उसी को ही हम x मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहे हैं कि कितनी हमारे पास, देखिए 3 बॉल्स आर ड्रोन, और उसमें हमें देखना है कितनी रेड है। देखिए 3 बॉल निकाली तो मैक्सिमम 3 ही रेड आ सकती हैं, और 3 बाई चांस रेड है भी, 3 से ज़्यादा या 3 से कम नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 रेड बॉल्स होती तो मैं मैक्सिमम 2 तक ही निकाल पाती, 3 ड्रॉज के अंदर एक ना एक वाइट तो आती मेरे पास। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए 3 बॉल निकाली तो मेरे पास x जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 0 या 1 या 2 या 3, यानी कि एक भी रेड बॉल ना आए, एक आ जाए, एक दो आ जाए और 3, ठीक है, इससे ज़्यादा का केस नहीं आ सकता। अब देखिए ध्यान से, x को तो मैं क्या मान रही हूँ, रैंडम वेरिएबल, सो x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3। अब देखिए हमारे पास सक्सेस क्या है, रेड बॉल का निकलना, और फेलियर वाइट बॉल का निकलना, यानी कि इवेंट व्हेन रेड बॉल इज नॉट ड्रॉन, ठीक है। तो s हम मान लेंगे रेड बॉल आई, और f हम मान लेंगे वाइट बॉल आई। अब आप ध्यान से देखिए, p ऑफ s अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या निकाल लूँगी, रेड बॉल आई, 4 रेड बॉल्स आउट ऑफ 7, यानी कि 4/7, और अगर मेरे पास रेड बॉल नहीं आई यानी कि वाइट बॉल आई तो वो कितनी है, 3 3/7, या फिर आप इसे डायरेक्टली 1 में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब देखिए सिमिलरली बाकी केसेस में हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, ऐसे ही इसमें एक्स इक्वल टू 3 तक हमें केसेस निकालने हैं। सबसे पहले देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 यानी कि एक भी सक्सेस नहीं आई, यानी कि तीनों ही केसेस में फेलियर आया, पी ऑफ एफ एफ एफ, ठीक है।
तो अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ। जब तीनों ही केसेस के अंदर हमारे पास सेम इवेंट आ जाए, सेम सैम्पल पॉइंट। देखिए इसके अंदर फर्स्ट में भी फेलियर, सेकंड में फेलियर, थर्ड में फेलियर, तो हम डायरेक्टली इसको पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ एफ लिख देंगे, जहाँ पर हमारे पास पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इज इक्वल टू, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब 27 अपॉन में 7 का क्यूब 343। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट केस के अंदर क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 सक्सेस यानी कि 2 फेलियर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, और करके हम लिखेंगे पी ऑफ एफ एफ एस प्लस पी ऑफ एस एफ एफ प्लस पी ऑफ एफ एस एफ। समझे आप कि मैंने क्या किया, एक बार लास्ट केस में सक्सेस दिखा दी, एक बार फर्स्ट केस में, और एक बार बीच वाले केस के अंदर। तो आइए इनकी वैल्यूज निकालते हैं। पी ऑफ एफ एफ एस यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एफ डॉट पी ऑफ एफ डॉट पी ऑफ एस। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड को पी ऑफ एस पी ऑफ एफ पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ एफ पी ऑफ एस पी ऑफ एफ। तो ये हमने लिख लिया। अब सिर्फ हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। पी ऑफ एफ हमारे पास क्या है, 3/7 इंटू में पी ऑफ एफ 3/7 इंटू में पी ऑफ एस 4/7 प्लस फर्स्ट केस में एस यानी कि 4/7 इंटू 3/7 इंटू में 3/7 प्लस में फर्स्ट एफ सेकंड एस थर्ड एफ, फर्स्ट में एफ 3/7 इंटू में 4/7 इंटू में 3/7। इसको देखिए, जब हम सॉल्व करके इसका रिजल्ट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 108 अपॉन में 343, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस पे, यानी कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमने एक केस लिया था सक्सेस का, बाकी दो फेलियर, उसके अंदर हमें एक केस फेलियर का लेंगे और दो सक्सेस, क्योंकि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है। तो आइए देखिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 को मैं क्या लिखूंगी, एक बार फेलियर दो बार सक्सेस, सक्सेस फेलियर सक्सेस प्लस पी ऑफ एस एस एफ, ठीक है। आइए चलते हैं इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एफ पी ऑफ एस पी ऑफ एस। सिमिलरली इसको पी ऑफ एस पी ऑफ एफ, इसी तरह से हम बाकी भी लिख देंगे। देखिए ये हमने सारी वैल्यूज लिख दी, आइए चलते हैं इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ से पी ऑफ एफ इज 3/7, पी ऑफ एस इज 4/7, अगेन पी ऑफ एस इज 4/7, नेक्स्ट पी ऑफ एस 4/7 इंटू 3/7 इंटू में 4/7। जहाँ जहाँ पर पी ऑफ एस है वहाँ पर हमें 4/7 वैल्यू पुट करनी है, और जहाँ पर पी ऑफ एफ है वहाँ पर हमें 3/7 वैल्यू पुट करनी है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 343। कैलकुलेशन काफ़ी इजी है तो मैं करके नहीं दिखा रही, डायरेक्ट उनकी वैल्यूज लिख रही हूँ। अब हमारे पास लास्ट केस कौन सा बच गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 वाला। देखिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू हमेशा केसेस आसान रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास तीनों ही सक्सेस आती है और उस केस के अंदर तीनों ही फेलियर। पी ऑफ ट्रिपल एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ऑफ एस पी ऑफ एस पी ऑफ एस। इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि तीनों ही केस के अंदर मेरे पास क्या है, सक्सेस। पी ऑफ एस की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता ही है, वही मैंने एज इट इज सब्सटीट्यूट कर दी, 64 अपॉन में 343 आ गई मेरे पास वैल्यू। अब हमारा मेन काम क्या है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, कितनी नंबर ऑफ रेड बॉल्स आई। तो आइए चलते हैं टेबल के अंदर वैल्यू को प्लॉट करते हैं। देखिए ये मेरे पास बन गई टेबल। अब इसके अंदर देखिए x वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 0, 1, 2, 3। 0 x इक्वल टू 0 के केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या थी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने निकाली थी 27 अपॉन में 343। x इक्वल टू 1 के केस में आप चेक कर सकते हैं, 108 अपॉन में मैंने वैल्यू क्या निकाली थी, 343। x इक्वल टू 2 के केस में 144 अपॉन 343,
और x इक्वल टू 3 के केस में तो आप देख ही सकते हैं 64/343। मैंने इन सभी के न्यूमरेटर्स को ऐड अप करके चेक किया तो मेरे पास आया 343, यानी कि हमारा जो रिज़ल्ट है, जो आंसर्स हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हमारे पास कई बार क्या होता है, इन सभी का सम 1 आ जाए, उस केस में भी मिस्टेक के चांसेस तो हैं कि शायद हमने कहीं गलती कर दी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केसेस में अगर आपका यहाँ पर 1 आ गया तो आपका ठीक ही होगा। ऐसा नहीं होता कि आपने गलती की हो तब भी 1 आ जाए, वो बाय चांस की बात है। ठीक है, तो ये थे रैंडम वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मीन एंड वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हम कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।